अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सर्वर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में एक दफ़ो बीहर अव सभी के खुश आमदीद चूं था। इन वीडियो लेक्चर में असा क्लास 11 जी मशक नंबर बदाही ब जो सेकंड पार्ट तवाजी खिदमत में पेश क्यों पाया। इन में असा कंजुगेट ए मॉड्यूलस के बारे में सीखासी तो कड़े तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ कंजुगेट ए मॉड्यूलस फाइंड किया था वन तो वीडियो के शुरू क्यों उन पे हमेशा वागू तक रिक्वेस्ट है अगर तुम असि चैनल के सब्सक्राइब न किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर वीडियो के सभी दोस्तों तीन शेयर कर। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो सेकंड नंबर प्रॉब्लम तक दिनल है उनमें तो फाइंड द कंजुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ऑल्सो दे आर मॉड्यूलस, यानी कंजुगेट्स भी मालूम करना मॉड्यूलस भी मालूम करना। जैमें नंबर पहुँ तक प्रॉब्लम दिनल है माइनस सेवन प्लस आयोटा। माइनस सेवन तो रियल पार्ट है आयोटा तक सो इमेजिनरी पार्ट है। तो कंजुगेट असं कड़े तरीके से मालूम करना है, लेट सपोज असी जमें प्रॉब्लम दिनल है उनके असा लेट कर वरता जेड इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस आयोटा। कंजुगेट के लिए सिर्फ असं सिंबल दींदा वह मथा जहाँ सिंपल एक बार दींदा इतने तुम ऐसी टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स जेड के मथा भी जो बार है इनके असा कंजुगेट चवंदा अड़े तरीके से तक माइनस सेवन प्लस आयोटा के मथा भी माइनस सेवन प्लस आयोटा के मथा भी बार दिसण में अचे पी तो इनके असा पढ़ा जेड कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस आयोटा जो कंजुगेट। हाँ सिंपली कंजुगेट मालूम करने असो इमेजिनरी पार्ट हों उनकी सिंबल चेंज करना है। इतने जो इमेजिनरी पार्ट है उनमें सिर्फ तक आयोटा दिनल है यानी उनको कोएफिशिएंट है आयोटा जो वन है उन का अगर तक सिंबल है वह प्लस है यानी प्लस की आयोटा है इनके सिर्फ माइनस के आयोटा में कन्वर्ट कर छींदी तो असें इनको कंजुगेट थी वो यानी कि जेड कंजुगेट बराबर थी माइनस सेवन माइनस आयोटा। तो इतना ऐसी अस कंजुगेट इनको मालूम कर चुका हूँ। देन उन मॉड्यूलस मालूम कहसी मॉड्यूलस के लिए असो फार्मूलो हों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो स्क्वायर रूट। हाँ बेसिकली मॉड्यूलस की जो सिंबल होंगी है वह असेंदे इतना ऐसी ब स्ट्रेट बार जो सभी साइडों का असा इट मीन्स के इनके अस पढ़ा जेड मॉड्यूलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो स्क्वायर रूट। हाँ इतने बेसिकली एक्स जो है वह रियल पार्ट के डिनोट कई जो है वह इमेजिनरी पार्ट के डिनोट क वाई की जगह से तक कीमत पुट कौ जो आयोटा जो कोएफिशिएंट हों सिंपली वाई की जगह से वह कीमत पुट कौ एक्स जो है ऑलरेडी एक रियल पार्ट मिल जो माइनस सेवन ए प्लस आयोटा है तेज तो एक्स की जगह से पुट कई है वैल्यू माइनस सेवन उनको स्क्वायर ए प्लस वाई की जगह से आयोटा के अगर कुछ भी कोनो इट मीन्स उनको कोएफिशिएंट वन हो अस वाई की जगह से वन रखी कर उनको स्क्वायर कंदी ए मत असें स्क्वायर रूट भी अची वो माइनस सेवन जो स्क्वायर कंदी तो असें फोर्टी नाइन प्लस में अची वो वन जो स्क्वायर कंदी सागो वन अची वो इट मीन्स के फोर्टी नाइन प्लस वन जो स्क्वायर रूट एड कंदी उणवंजा एक एड कंदी असें पंजा अची वो यानी पंजा जो बो मूल अस मालूम कंदी पंजा जहाँ फैक्टर्स असी कंदी तो असने अची वा टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव फाइव बचकर अची वह पेयर ठही वह यानी कि एक फाइव के फाइव के बेहर कड़ी तो असें फाइव स्क्वायर रूट टू अचे यानी कि मॉड्यूलस असेंदे अची वो है फाइव स्क्वायर रूट टू। अड़े तरीके का नंबर नेक्स्ट से असें प्रॉब्लम है जैमें असें टू आयोटा प्लस वन इनमें तुम ऐसी आयोटा जो है सो पे दिनों वो है इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट टू आयोटा है रियल पार्ट तुम वन है तो इनके अस तरतीब में लिखी सकूंगा लेट जेड इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट के असा बाद में लिखो है रियल पार्ट के असा पहले लिखो है। कंजुगेट मालूम करने अस सिंपली बार से उनके डिनोट कंदी जेड कंजुगेट इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा। कंजुगेट मालूम करने जो इमेजिनरी पार्ट हों उनकी सिंबल चेंज कंदी तो ये प्लस जो है माइनस जो अच्छे इट मीन्स के असो कंजुगेट अची वो है वन माइनस टू आयोटा। हाँ इतने रियल पार्ट तेरे वन है इट मीन्स मॉड्यूलस में एक्स की कीमत वन पुट कौ ए इमेजिनरी पार्ट जो है वह तेरे दिनल है टू आयोटा। टू आयोटा मीन्स वाई की जगह से कीमत पुट कौ टू तो मॉड्यूलस दिसूँ तो मॉड्यूलस असें फार्मूलो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बो मूल एक्स की जगह से रियल पार्ट असें वन हो तो वन जो स्क्वायर प्लस वाई की जगह से इमेजिनरी पार्ट असें टू आयोटा हो तो आयोटा जो कोएफिशिएंट टू हो तो अस वाई की जगह से टू पुट किया उनको स्क्वायर वन जो स्क्वायर कंदी असें सागो वन इंदो टू जो स्क्वायर कंदी फोर इंदो वन प्लस फोर असं कंदी तो असें स्क्वायर रूट में फाइव अची वो यानी कि जेड जो जिनमें असं मॉड्यूलस उनको एंसर असें स्क्वायर रूट फाइव अची वो। देन असें नंबर थर्ड से जो प्रॉब्लम दिनल है वो असें ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिनल है फाइव कामा माइनस टू।
हाँ आर्डर पेयर में अगर तारी कॉम्प्लेक्स नंबर अची तो वे इट मीन्स जो पहरियों एलिमेंट हों ते रियल पार्ट के शो कामा का बाद वो जो एलिमेंट हों ते इमेजनरी पार्ट के शो कह इट मीन्स फाइव इतने रियल है माइनस टू जो है इमेजनरी पार्ट है जी मेल इनके आर्डर पेयर में असं ओपन कर लिखासी तो कुछ इन नमूने से लिखासी फाइव माइनस टू आयोटा जो सेकेंड वो पार्ट है उन्हें असं आयोटा भी शामिल कहसी तो हाँ कंजुगेट मालूम कहसी बिन्हीं के मत बार डींदी एंड दैन जो इमेजनरी पार्ट हों उन सिंबल असं चेंज कर फाइव माइनस टू आयोटा जो कंजुगेट कहसी तो असने फाइव प्लस टू आयोटा अची वो हाँ असान इतने रियल पार्ट फाइव है इमेजनरी पार्ट टू आयोटा है टू इतने जो है माइनस जो है तो मॉड्यूलस में असं पुट कहसी एक्स की जगह से फाइव ए वाई की जगह से माइनस टू तो असने फाइव स्क्वायर ए प्लस टू स्क्वायर इतने माइनस टू स्क्वायर लिख माइनस जो स्क्वायर कह तो भी ऑटोमेटिकली फोर अची वो प्लस में माइनस जो स्क्वायर भी प्लस तई पंजन जो स्क्वायर असं कहसी पंजवी अची वो ए माइनस ब जो स्क्वायर कहसी तो असने प्लस जो चार अची वो तो पंजवी प्लस चार असान अची वो प्लस जो उणटी स्क्वायर रूट में उणटी जहाँ फैक्टर को असने जेड जो मॉड्यूलस है वो असने स्क्वायर रूट 29 अची वो देन नंबर नेक्स्ट से असने प्रॉब्लम है वो भी आर्डर पेयर में टू कामा वन तो टू रियल पार्ट है वन तुम इमेजनरी पार्ट है अस लिखी सूंता जेड इज इक्वल टू टू प्लस आयोटा कंजुगेट कहसी सिंपली अस इमेजनरी पार्ट की निशानी चेंज कहसी तो कंजुगेट असने अची वो टू माइनस आयोटा अड़ी तरीके से मॉड्यूलस के लिए असने एक्स की कीमत टू है वाई की कीमत असने वन है आयोटा अकेलो है इनका को भी कोएफिशिएंट ना है तो वाई की कीमत अस वन पुट कहसी तो असने जेड मॉड्यूलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बो मूल एक्स की जगह से टू पुट कर दी उन स्क्वायर वाई की जगह से अस वन पुट कर दी उन स्क्वायर टू जो स्क्वायर कहसी फोर अची वो वन जो स्क्वायर कहसी सागो वन रहो फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव थो यानी कि मॉड्यूलस असने जो अची चुको है स्क्वायर रूट फाइव अची वो चीज स्टूडेंट तुम दिखो तो तरीके से असं कंजुगेट्स ए मॉड्यूलस मालूम क्या इंशाल्लाह ताला एक बे वीडियो लेक्चर से गुड जल्दी तीन खिदमत में हाजिर थी अल्लाह निगहबान।